नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव सैनी, इंटरनेशनल बिजनेस ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। दोस्तों मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल जहां पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट नॉलेज को हम क्रिटिकल नहीं सिंपल बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं, क्या मुझे इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंपनी में जॉब करनी चाहिए बिफोर ओपनिंग माय ओन कंपनी? क्या मैं खुद और जब मैं अपनी कंपनी ओपन करने जा रहा हूं और मुझे उसमें नॉलेज कम है, तो क्या मैं ऐसा करूं कि किसी कंपनी में जॉब कर लूं जो ऑलरेडी बिजनेस कर रही है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रही है, उस कंपनी में क्या मुझे जॉब करनी चाहिए, मुझे सैलरी कितनी मिलेगी, उसमें कौन कौन से डिपार्टमेंट होते हैं, एंड हाउ लॉन्ग आई शुड स्टे इन अ कंपनी, की कंपनी में कितना टाइम मुझे रुकना चाहिए, जल्दी क्विट कर देना चाहिए या फिर फ्रीक्वेंटली चेंज करना चाहिए, हाउ आई कैन प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू टू क्रैक द इंटरव्यू, विच डिपार्टमेंट इज द बेस्ट इफ आई वुड लाइक टू ज्वाइन, क्या मैं ट्रेनर की तरह भी ज्वाइन कर सकता हूं, यानी अगर मुझे इंपोर्ट एक्सपोर्ट की नॉलेज है और मैं अभी अपनी कंपनी नहीं ओपन कर रहा हूं लेकिन मैं किसी कंपनी के साथ में जुड़ के काम करना चाहता हूं, तो मैं एज ए ट्रेनर भी ज्वाइन कर सकता हूं क्या, क्या मैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर की तरह काम कर सकता हूं, और क्या फ्री इंटरनेशनल टूर इज पॉसिबल व्हाइल डूइंग अ जॉब इन इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंपनी, या फिर व्हाट इज द क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड इफ आई अप्लाई फॉर अ इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंपनी फॉर अ जॉब। तो ये सब तमाम क्वेश्चन का आंसर लेके छोटे से वीडियो में बने रहे हमारे साथ। सबसे पहले हमारा पॉइंट है सैलरी। देखिए, ये हमेशा जो भी कई बार हमारे सब्सक्राइबर भी पूछते हैं, कई बार हम फ्रेंड्स से फोन करके या फिर व्हाट्सएप पे भी पूछते हैं कि सर, अगर मैं किसी कंपनी में जॉब करता हूं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बिजनेस जो बिजनेस कर रही है कंपनी, उस कंपनी में अगर मैं जॉब करता हूं या लॉजिस्टिक कंपनी उसमें अगर मैं जॉब करता हूं, तो लगभग मुझे इनिशियली सैलरी कितनी मिलेगी? तो नॉर्मली मैं यहां बता देना चाहता हूं कि अभी जो करंट ट्रेंड है उसके हिसाब से लगभग 8,000 से 10,000 रुपए सैलरी नॉर्मली एग्जीक्यूटिव को मिल जाती है। तो इससे जो नॉर्मल सैलरी आप 8,000 से 10,000 वाली को देख के आप उसे ऐसे डिमोटिवेट मत होइए, उसमें 8,000 से 10,000 का मतलब है कि आप इनिशियली लेवल पे आप सीखिए, अगर आपको ऑलरेडी एक्सपीरियंस है तो आप उसमें हायर सैलरी में भी ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन मैं नॉर्मली एग्जीक्यूटिव लेवल की बात कर रहा हूं, जो नॉर्मल बेसिक लेवल से फ्रेशर आते हैं उनके लिए ये सैलरी मैं बात कर रहा हूं, स्टार्टिंग 8,000 10,000 रुपए से स्टार्ट हो जाती है। अगर आपका किसी बिजनेस स्कूल से या फिर किसी एग्जिम इंस्टीट्यूट से अगर प्लेसमेंट होता है तो द सैलरी कैन बी स्टार्टेड राइट फ्रॉम 25,000, बट बेसिक अगर आप डायरेक्ट अप्रोच करते हैं तो 8,000 से 10,000 रुपए की सैलरी आपको जरूर मिल जाती है। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे जो एक्सपोर्टर भाई बहन है या फिर जो जॉब कर रहे हैं या फिर जो जॉब में आना चाहते हैं और इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस वाली कंपनी में जॉब करना चाहते हैं, उन सबसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप अभी स्टार्टिंग में फर्स्ट 2-3 ईयर्स आपके सैलरी के बारे में बिल्कुल मत सोचिए, पैसे के बारे में बिल्कुल मत सोचिए, आप अभी लर्निंग के ऊपर फोकस कीजिए। आप अभी लर्निंग के ऊपर फोकस करेंगे तभी आप आगे जाके हायर पोजीशन को ग्रोथ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, व्हाट आर द डिपार्टमेंट्स अवेलेबल इन इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस कंपनी? तो डिपार्टमेंट वहां पर जैसे लॉजिस्टिक है, लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट होता है तो लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट में भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। लॉजिस्टिक का क्या काम रहता है कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक का सप्लाई करना, यानी जैसे आपका कोरियर कंपनी रहती है, एक प्लेस से सामान लेके दूसरे प्लेस तक उनका पहुंचाना, तो जो ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है, लॉजिस्टिक का काम होता है, वो लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट हैंडल करता है। तो आपको अगर इंटरेस्ट है लॉजिस्टिक में तो आप लॉजिस्टिक भी ज्वाइन कर सकते हैं, लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट आप ज्वाइन कर सकते हैं। इंटरनेशनल मार्केटिंग ज्वाइन कर सकते हैं, अगर आपका इंग्लिश कम्युनिकेशन अच्छा है, आपको बात करना अच्छा लगता है, नए लोगों से दोस्ती बनाना अच्छा लगता है, फ्रेंडशिप बनाना अच्छा लगता है, आपको बाहर विदेश में घूमना अच्छा लगता है, आपको ट्रेवलिंग अच्छा पसंद है, आपको मार्केटिंग में इंटरेस्ट है, आपको सेल्स में इंटरेस्ट है, आपका वो इंटरेस्ट कोर सब्जेक्ट है, तो आप इंटरनेशनल मार्केटिंग एक डिपार्टमेंट रहता है उसको ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपका इंटरेस्ट है। तो बैंकिंग सेक्टर में आप जा सकते हैं, उसका जो परचेस डिपार्टमेंट रहता है, प्रोक्योर डिपार्टमेंट रहता है, उस सेक्टर में आप जा सकते हैं, ऑपरेशन डिपार्टमेंट में जा सकते हैं। देखिए, पूरा टोटल ओवरऑल जो ऑपरेट करता है वो एक सेंट्रल से होता है, किसी किसी कंपनी का जैसे मुंबई में एक ऑपरेशन डिपार्टमेंट है और अलग अलग साइड्स पे उनके साइड ऑफिस है और वहां से वो ऑपरेट करते हैं। तो सेंट्रल ऑपरेट जो कॉर्पोरेट ऑफिस है, कॉर्पोरेट ऑफिस में आप एज ए ऑपरेशन मैनेजर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, आप एचआर में ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपका एचआर का फील्ड है, एडमिन में ज्वाइन कर सकते हैं का व्हीकल वगैरह या फिर एडमिनिस्ट्रेशन आपको देखना है तो एडमिन में भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन एक अच्छा इंपॉर्टेंट रहता है जिसमें आपको सीखने को भी अच्छा मिलेगा और आपका डॉक्यूमेंटेशन का अच्छा प्रिपरेशन हो जाएगा। जब आप अपनी कंपनी खुद की खोलेंगे तो आपका एक कॉन्फिडेंस रहेगा और जो आपके पास में एम्प्लॉय रहेगा वो आपको फूल नहीं बना सकता, वो आपको गोली नहीं दे सकता, तो डॉक्यूमेंटेशन में आप यहां स्ट्रांग हो सकते हैं। और इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में डॉक्यूमेंटेशन, क्योंकि 1-2,000 4,000 10,000 5,000 का बिजनेस नहीं है, करोड़ों का बिजनेस है,
एक एक शिपमेंट का वैल्यू जैसे बड़ी बड़ी कंपनी में आप देखेंगे तो कई कई करोड़ रुपए का है, तो उसमें डॉक्यूमेंटेशन में कोई गलती नहीं होनी चाहिए, बिलिंग डॉक्यूमेंट्स में कोई गलती नहीं होनी चाहिए, इनवॉइस डॉक्यूमेंट में कोई गलती नहीं होनी चाहिए, या फिर किसी भी टाइप का कोई भी डॉक्यूमेंटेशन है, कोई भी कोटेशन है, कोई भी प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन है, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है, कॉमर्शियल स्पेसिफिकेशन है, कोई भी किसी टाइप का कोई ईमेल लिख रहा है, कोई डॉक्यूमेंटेशन किसी तरह का भी हो रहा है, या फिर बायर के साथ में कोई भी ईमेल कन्वर्सेशन कम्युनिकेशन हो रहा है, किसी भी तरह का कोई भी डॉक्यूमेंटेशन है वो एरर फ्री होना चाहिए, उसमें मिनिमम एरर होना चाहिए, तभी जाके हम उसको मानते हैं कि अच्छा डॉक्यूमेंटेशन है, तो आप अच्छा डॉक्यूमेंटेशन यहां पे सीख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ आई कैन प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू। देखिए इंटरव्यू प्रिपेयर करने के लिए आप सबसे बेस्ट तरीका, जैसे हम लोग वीडियो बना रहे हैं, हमें कुछ नॉलेज है, हम आपके साथ में शेयर कर सकते हैं, जो और कोई जो बिजनेस कर रहे हैं ऑलरेडी वो कोई अगर वीडियो बना रहा है तो उनसे भी आप सीख सकते हैं। तो ये एक फ्री मेथड है कि आप यूट्यूब वीडियो देखिए, उससे जो नॉलेज मिल सकती है उससे आप नॉलेज लीजिए, आप इंटरनेट सर्च कर सकते हैं तो इंटरनेट पर सर्च कीजिए, अपना जो टॉपिक है उस टॉपिक के बारे में सर्च कीजिए, इनको टर्म क्या होता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है और उसके क्या क्या रूल रेगुलेशन होता है, आईसीसी क्या होता है, ये सब के बारे में आप सर्च कीजिए, बिल ऑफ लेडिंग क्या होता है और कैप्टन क्या होता है, सी से कैसे सामान जाता है, ए वे बिल क्या होता है, बिल टी क्या होता है, और जो भी जिस टाइप का कस्टम क्लियरेंस होता है, क्या क्या जो भी टॉपिक आपके दिमाग में आता है, फोरेक्स क्या होता है, कई बार हम अपने वीडियो में भी या मतलब अपने जो फील्ड रहता है, वीडियो फील्ड रहता है, उसमें भी कई बार हम क्वेश्चन पूछते रहते हैं, तो वो भी आपका नॉलेज को इंप्रूव करेगा। तो हमारे चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बाकी लोगों को भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं ताकि वो लोग भी अच्छे से अच्छा ज्यादा सीख सके। तो आप इंटरनेट का सहारा ले सकते हैं, इंटरनेट से आप सीख सकते हैं। आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो ऑलरेडी कर रहे हैं उनका व्हाट्सएप ग्रुप हो या टेलीग्राम ग्रुप है वो ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का एक व्हाट्सएप ग्रुप है आग ग्लोबल एक्सपोर्ट से, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं अगर वो आपको फुल मिलता है, जिसे वो नॉर्मली मुझे कई बार कंप्लेन आता है कि सर फुल हो गया है, उसमें 257 से ज्यादा मेंबर नहीं हो सकते एज पर व्हाट्सएप गाइडलाइन। तो उसमें हमने टेलीग्राम चैनल ओपन किया, टेलीग्राम ग्रुप ओपन किया, इट्स ए फ्री ग्रुप, और उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां से भी आप देखिए, आप वहां पे साइलेंट बैठिए, कुछ मैसेज मत कीजिए, साइलेंट बैठिए, ऑब्जर्व कीजिए लोग किस तरीके से वहां पर बिहेव कर रहे हैं, किस तरीके का वहां पे मैसेज आ रहा है। कई बार मैं पर्सनली भी वहां पे जाके कुछ मैसेज करता हूं, अगर कोई किसी की क्वेरी आती है और मेरे पास समय है तो मैं खुद भी वहां पर क्वेरी का रिप्लाई देता हूं, लेकिन वो ग्रुप है सबका एक साथ, सबका साथ सबका विकास के एक मेंटेलिटी से बनाया गया। उसका पर्पज है कि कोई इंपोर्टर है तो वहां पे अपना क्वेरी डाल सकता है कि मुझे ये सामान चाहिए, कोई एक्सपोर्टर है या फिर कोई सप्लायर है वो अपना वहां पर अपना क्वेरी डाल सकता है, फोटो डाल सकता है, अपनी डिटेल डाल सकता है कि मेरे पास ये सामान है, कोई एग्रीकल्चर कर रहा है या फिर फार्मिंग कर रहा है या फिर कोई किसान है वो भी वहां पे अपना प्रोडक्ट डाल सकता है। तो वो आप धीरे धीरे वहां पे सीखिए, वहां पे सीएचए के हैं, बैंकिंग के लोग हैं, कस्टम्स के लोग हैं, वहां पर फ्रेट फॉरवर्डिंग के लोग हैं, वहां पे सप्लायर हैं, बायर हैं, इंपोर्टर हैं, एक्सपोर्टर हैं, सभी तरीके के लोग हैं वहां पे, एक मिक्स गुलदस्ता है। तो आप वो हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। How long I should stay in a company? तो देखिए ये एक कॉमन क्वेश्चन रहता है सबका कि अगर मैं किसी कंपनी में जॉब करता हूं तो लगभग मुझे कितने दिन ये कंपनी में रहना चाहिए। देखिए आप अगर जल्दी सीखना चाहते हैं तो आपको फ्रीक्वेंटली स्विच करना बेटर है, ये बेटर एडवाइस है, यानी आप एक साल डेढ़ साल में कंपनी को स्विच करते रहे तो स्विच करने से आपका डेजिग्नेशन भी इंप्रूव होता है और आपका सैलरी पैकेज भी इंप्रूव होता है। तो आप ये क्वेश्चन रहेगा सिर्फ आपके फेवर में, लेकिन अगर मैं कंपनी के फेवर में बोलूं तो नॉर्मली आपको स्टेबल, क्योंकि एक आप 4-5 साल 10 साल एक्सपीरियंस हो जाता है तो उस तरह ये चल जाता है, लेकिन जब आप हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बनते हैं या यूनिट हेड बनते हैं तो वहां पर क्या है, कंपनी आपको स्टेबिलिटी ढूंढती है कि कोई ऐसा बंदा है जिसका प्रोफाइल, क्योंकि ये आप कंपनी स्विच करेंगे तो आप अपने सीवी में डालेंगे ही, अपने रिज्यूम में डालेंगे ही कि मैंने लास्ट 5 ईयर में इतनी कंपनी में काम किया है, तो वो फिर आपका नाम खराब होता है। तो उसमें बेस्ट यही है कि किसी भी कंपनी में आप काम करें तो 2-3 या 4 साल जैसे जैसे आप सीनियर होते जाते हैं तो हर कंपनी में 5 साल से ज्यादा आप काम करें, तभी जाके आपका ग्रेच्युटी भी बनता है। ग्रेच्युटी एक अच्छा खासा अमाउंट बन जाता है, वो गवर्नमेंट की तरफ से रहता है एज पर गवर्नमेंट लॉ। तो वो 5 साल में, अभी तो मतलब नया सुनने में आ रहा है कि ग्रेच्युटी भी 1 ईयर का हो जाएगा, तो 1 ईयर का, लेकिन वो अभी तक इंप्लीमेंट नहीं हुआ है, लेकिन उसका बारे में इंफॉर्मेशन आ रही है कि ग्रेच्युटी भी पर ईयर गवर्नमेंट अनाउंस कर रही है।
है, तो वो भी आप देख सकते हैं कि आप जितना किसी कंपनी के साथ में रुकेंगे तो कंपनी में आपकी जो लॉयल्टी है लॉयल्टी बढ़ती है और कंपनी को आपके ऊपर ट्रस्ट आता है, तो आप ज्यादा से ज्यादा रुकने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, विच डिपार्टमेंट इज बेस्ट। तो देखिए सभी डिपार्टमेंट बेस्ट है, मैं ऐसे क्रिटिसाइज नहीं करूंगा किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को, ना ही मैं किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में आपस में कंपेरिजन करूंगा। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि ऑपरेशन डिपार्टमेंट एज पर माई नॉलेज ऑपरेशन डिपार्टमेंट इज द बेस्ट डिपार्टमेंट, यानी वहां से सभी चीजें की ऑपरेशन होता है, सभी चीजों को वहां से कंट्रोलिंग किया जाता है। ऑपरेशन डिपार्टमेंट सबसे ऊपर रहता है, वो ओनर ऑफ द कंपनी होता है और ऑपरेशन डिपार्टमेंट हर किसी डिपार्टमेंट को गाइड करता है, कंट्रोल करता है, हर किसी डिपार्टमेंट के लिए पॉलिसी लेके आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, कैन आई बिकम अ ट्रेनर इन अ कंपनी। तो एक कंपनी में आप ट्रेनर भी ज्वाइन कर सकते हैं, एज ए कंसल्टेंट भी ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे मैं एक कंसल्टेंट हूं या फिर मैं एक ट्रेनर हूं, मैं एक्सपोर्ट करता हूं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में मुझे नॉलेज है, हम खुद एक्सपोर्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं। हम किसी कंपनी में अगर अप्रोच करते हैं, जैसे कई बार कोई कंपनी हमें अप्रोच करती है, सर आप हमारी कंपनी में आइए और आप एक दो घंटे का आप लेक्चर दीजिए, या फिर कहीं पर कंटिन्यू भी कई बार हमें ऑर्डर मिल जाते हैं कि सर आप कंटिन्यूसली एक महीना आके हमारे स्टाफ को ट्रेन कर दीजिए, क्योंकि किसी भी कंपनी का जो स्टाफ होता है, जो उनका एम्प्लॉय होते हैं, वो उनके लिए एसेट होता है। जैसे फिजिकली एसेट होता है, ऐसे ही उनके एम्प्लॉय भी उनके लिए एसेट होते हैं। तो जो एम्प्लॉय को जो कंपनी प्रोग्रेस देखना चाहती है, एम्प्लॉय को एम्पावरमेंट करना चाहती है, एम्प्लॉय को डेवलप करना चाहती है, एम्प्लॉय के बारे में वेलफेयर करना चाहती है, एम्प्लॉय को बढ़ाना चाहती है, उनका ग्रोथ करना चाहती है, उसी कंपनी का जल्दी प्रोग्रेस भी होता है। आप ये हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, आज के जमाने में देख लीजिए, लाखों साल हजारों साल पहले के जमाने में भी आप देख सकते हैं, हिस्ट्री की देख सकते हैं, जिस कंपनी ने एम्प्लॉय का ध्यान दिया है वो कंपनी ग्रोथ जरूर की है, जिस कंपनी ने एम्प्लॉय का तिरस्कार किया वो कंपनी ग्रोथ नहीं हुई है। अगर मैं बात करूं क्या नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो क्या एज ए लैंग्वेज ट्रांसलेटर भी मैं कंपनी में ज्वाइन कर सकता हूं? यस, उसमें हैंडसम आपको सैलरी भी मिलती है, एज ए लैंग्वेज ट्रांसलेटर भी बड़ी बड़ी कंपनी में अलग अलग कंट्रीज के साथ में लेन देन होता है, व्यापार होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस होता है, तो उसमें ट्रांसलेटर की जरूरत होती है, एज ए ट्रांसलेटर भी आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इज इंटरनेशनल फ्री टूर इज पॉसिबल व्हेन आई एम वर्किंग इन अ कंपनी? यस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस जो कंपनी कर रही है वो अपने एम्प्लॉय को कई बार अपॉर्चुनिटी देती है कि दूसरी कंट्री में जाओ और वहां पे बायर के साथ में मीटिंग करो, या फिर जो भी आपको वहां पे जो मतलब कंपनी की तरफ से कोई भी आपका जो प्रोफेशनल वर्क होगा उसके द्वारा उसके मतलब अकॉर्डिंग टू दैट आपको एक काम दिया जाएगा और नॉर्मली कंपनी भेजती है, तो आप भी उसमें जा सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, लास्ट बट नॉट द लीस्ट 10th क्वेश्चन, व्हाट इज द मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड टू अप्लाई जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंपनी? तो किसी भी तरीके के यहां पर कोई ऐसे बाउंडेशन नहीं है कि आपको इंजीनियरिंग डिग्री चाहिए या फिर डॉक्टर की डिग्री चाहिए, नॉर्मली बैचलर डिग्री इज सफिशिएंट। आपके पास बीबीए है, एमबीए, बीकॉम है, बीए है, आप देखिए एक जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस कर रही है, इट्स ए काइंड ऑफ एडवांस वर्जन ऑफ लॉजिस्टिक कंपनी, कोरियर कंपनी है, लॉजिस्टिक कंपनी, उसने बस अपना दायरा बढ़ाया है, अपना एरिया बढ़ाया है कि वो खुद प्रोडक्शन भी कर सकती है या फिर वो मैन्युफैक्चरर से सामान लेके आपके डोर तक या फिर आपके वेयरहाउस तक भेज देगी। यही एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस का कंपनी का काम है। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो जरूर आप इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में इसको शेयर कीजिए, हर एक उस हिंदुस्तानी को शेयर कीजिए जो कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में आना चाहता है, हर एक उस हिंदुस्तानी को शेयर कीजिए जो कि स्टूडेंट है, जॉब करना चाहता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंपनी में। तो फ्रेंड्स, हमेशा की तरह से मुस्कुराते रहिए, ग्रो करते रहिए, खुश रहिए और हिंदुस्तान का एक्सपोर्ट बढ़ाने में हमारी मदद कीजिए। लेट्स डू एक्सपोर्ट टुगेदर। थैंक यू वेरी मच।